अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त था। जंग खत्म करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अफगान फोर्सेस लड़ना नहीं चाहती तो अमरीकी फौजी अपनी जानें क्यों गंवाएं। अफगान रहनुमा हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। कहा अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अफगानिस्तान को तब्दील करना मिशन नहीं था, अलकायदा का खात्मा और उसामा को पकड़ना था जिसमें कामयाब रहे। हमने तालिबान को वाजे कर दिया है कि अगर उन्होंने हमारे अमले को निशाना बनाया या अमरीकी ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की तो उसका जवाब फौरी और बजरिया ताकत दिया जाएगा। काबुल में एयरपोर्ट में मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अमेरिका का C-17 तैयारा अमेरिकी मरीन्स को लेकर पहुंच गया। तर्जुमान अमेरिकी वजारत दिफा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा मजीद 2500 फौजी अफगानिस्तान भेज दिए हैं। फौजी दस्ते एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। अपने शहरियों और स्पेशल इमिग्रेशन के हामिल अफराद को सिक्योरिटी पहली तरजीह है। उम्मीद है तालिबान अमरीकी फौजियों और सिविलियन अफराद को निशाना नहीं बनाएंगे। बरतानवी वजारत दिफा का भी काबुल एयरपोर्ट से शहरियों के इनखिला के लिए मजीद 200 फौजी भेजने का फैसला। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने के ख्वाहिश मंदों का जम में गफीर। अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा C-17 कराची की मिनी बस की तरह खचा खच भर गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और भगदड़ के बायस दिलखराश वाकयात, 10 अफराद हलाक। जहाज पर सवार होने की कोशिश करने वाले अफगान शहरियों पर अमरीकी फौजियों ने गोलियां बरसा दी जिसमें 5 अफराद मारे गए। तैयारे के पहियों से चिपक जाने वाले 3 नौजवान जहाज से गिरकर जान की बाजी हार गए। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि तालिबान के जेर असर अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगा न बन जाए। अफगानिस्तान में तमाम धड़ों पर मबनी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें खवातीन की नुमाइंदगी भी हो। इजलास में जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस की तालिबान के मुस्बत रवैये की तारीफ। कहा खुशी है तालिबान UN और दीगर इदारों से बेहतर तरीके से पेश आए। मौजूदा सूरत हाल में सबको मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जामे सियासी हल के लिए पुराजम। अफगान ग्रुप्स यकीनी बनाएं उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमेरिका की जानिब से फौजी इनखिला का फैसला ही तनाजे का मंतकी हल था। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का ऐलामिया जारी। मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने भी इजलास में शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में यकसा तालीम के नफाज की तकरीब से खिताब में कहा अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना नागुजीर है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 नकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। 24 घंटे में मजीद 95 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमू अमवात 24,573 हो गई। एक दिन में 3,221 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 48,181 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम। जुलूस की गुजरगाह MA जना रोड और अतराफ की दुकानें सील। सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गईं। जुलूस और मजालिस के मुकर्ररा मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पाक अफगान वनडे सीरीज तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हामिद शनवारी ने PCB को यकीन दहानी करवा दी। तैयारियों के लिए प्रैक्टिस कैंप 2 दिन के तातुल के बाद आज से दोबारा शुरू हो जाएगा।